नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने चौथे दिन भी मायावती पार्क दलित प्रेरणा स्थल पर धरना जारी रखा। नहीं, हमारी सरकार से ये मांगा भी नहीं, चार पाँच बार था बुला ले, कुछ भी ना निकला। अब ये फिर कल बुला रहे, वहाँ में भी कुछ ना निकलना। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे ये करेंगे कि यहाँ करोड़ों किसान आ जाएगा दिल्ली के आसपास, ये कैसे ना बढ़ने देंगे? दिल्ली किसान की है, सारे ढोर पशु बालक बच्चे लेकर सब दिल्ली को आएंगे हम, और क्या करेंगे हम भाई? हम पे इनके तो ये सरकार है, यू कितने मरवाएगी सरकार? अभी दो किसान हमारे पंजाब बॉर्डर पर शहीद हो गए, दो किसान, अब कितने बरवाएगी? सारे बाल अगर ढोर और पशु ला के यही बांधेंगे दिल्ली में। दिल्ली में हमारी सरकार, हम हमारी है दिल्ली भाई, क्यों ना देगी? अब यहाँ लाखों लोग पड़ा है बॉर्डर पे, ये पागल है किसान, ये पागल है। सरकार का कहना है कि जो कृषि बिल है किसान के हित में है, और फिर किसान कृषि बिल के लिए किस नजरिए से देखता भाई? कृषि बिल कहाँ है हित में? कौन कह रहा कि वो जो कह दे सरकार का कहना है? वो तो ये भी कह रहे हैं उग्रवाद ही है, ये खालिस्तान के हमें बढ़ गए, या हमें कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, या हमें फलाने करवा रहे हैं। ये तो जो कह दे वो सही है, और जो किसान कह रहे हैं वो कतई सही ना है, ये कह दे वो सही है। ये जो कृषि मंत्री है उसे ये पता ना करेला ऊपर लगे या नीचे लगे, यार ये कह दे तो सही है। बेकार की बात कर रहे हो, ये लाखों किसान यहाँ पड़ा पागल समझ रखा, छूतिया समझ रखा किसान ने। मक्के का भुट्टा कहाँ लगा ये भी कुछ? अभी किसान देखना तुम क्या करेंगे, किसान की नजर है जो गांव में भी हमारे। क्या किसानों के लिए किसी विपक्षी दल या पार्टी का कोई समर्थन मिल रहा हो? नहीं, कोई समर्थन नहीं मिल रहा हमें। अब ये गद्दा हमारे कढ़ैया हमारे हमारे किसान की चल रही, कहाँ मिल रहा है? कौन दे रहा हमें यहाँ जो समर्थन मूल्य है एमएसपी का हमारा, वो ही दे, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, और जो उससे कम खरीदे उसके खिलाफ रिपोर्ट करें। सरकार कह रही है कि जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में है, और किसान कृषि बिल के लिए किस नजरिए से देखता है? किसान अगर किसान के हित में है तो किसान सड़कों पर क्यों है? हम रात में बिछोना धरती का करके आसमान उड़ रहे हैं, हम यहाँ क्यों पड़े हैं? अगर हमारे हित में होता तो हम ऐसे थोड़ी बैठते। आज धरने का चौथा दिन है और फिलहाल में इतने किसान जो बैठे हुए हैं, कोई प्रशासन शासन का कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने आया हो? कोई बात करने नहीं आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे बात करने के लिए वहां पहुंचे थे जहां बुलाया गया उनको, लेकिन वहां भी वार्ता विफल रही है। क्या जवाब मिला वहां से? कोई सम्मानजनक, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया उन्होंने। सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हम रोड तोड़ेंगे और दिल्ली जाएंगे, हमें यहाँ से पुलिस रिहा करे और हम दिल्ली जाने के लिए तैयार है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम यहाँ भैंस और झोटे भी बांध देंगे, आप परेशान मत हो उनको, हम तो यही खाना बनाओगे, यही चूल्हे बना देंगे, यही झोटे भैंस बांध देंगे, यही दूध का डगर यही रहेंगे। आप कब तक का राशन खाना पानी लेके आए? 6 महीने क्या, 1 साल तक का लेके आए, पूरे यहाँ पे 1 लाख रुपए इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ATM से काट डगर खूब खाओगे और जनता को भी खिलाओगे। मैं हरनाम सिंह नेताजी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान लोक शक्ति, मैं बोल रहा, मेरा सरकार से यही मांग है कि जो काले कानून उन्होंने बनाए हैं इनको वापस ले, और कम से कम एमएसपी कानून को भी गारंटी कानून बनाया जाए, और बड़ी उम्मीदों के साथ इस इतनी ही से सरकार को बनाई थी, हर हर मोदी घर घर मोदी में व्याप्त थे, लेकिन हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं जो जनता को किसान को जगा दिया है अपने कानूनों के माध्यम से, और नोटबंदी करके सड़कों पर, और कोरोना के लॉकडाउन करने से जो किसान और मजदूर सड़कों पर उतरा उनका दर्द झलक रहा, और किसानों के हित में कतई ये सरकार नहीं है, और जब तक अपने कानून को वापस नहीं लेते हैं तब तक हमारे किसान यहाँ संघर्ष करते रहेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी सरकार ये मान जाए, सरकार से यही निवेदन है कि सरकारें झुकी है। अभी 32 साल पहले एक आंदोलन हुआ था और यही किसान उस सरकार को झुकाए थे, और अभी इनकी बुद्धि नहीं खुल रही है, और ये खुलेगी और सरकार झुकेगी और किसानों की जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी विश्वास गुर्जर
हम यहाँ 2 तारीख से बैठे हुए हैं। हमारी मांग, ये जो काले कानून इन्होंने बनाए हैं, सरकार रातों रात काले कानून बनाती है। इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पूरे देश में चल रहा है, हर बॉर्डर पर किसान बैठा है लाखों की तादाद में, और हमारी मांग ये है कि ये कानून वापस हों। तब तक ये वापस नहीं होंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने एमएसपी रेट तय करने को लेकर के सरकार इतनी संशय में है, पता नहीं जो कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों के हित के लिए कानून बनाए हैं। अगर किसानों के हित के लिए कानून बनाए हैं तो किसान ही ये मांग कर रहा है कि एमएसपी लागू की जाए, एमएसपी दर लागू की जाए, क्योंकि सरकार ने तो नियम बना दिए और इनके ऊपर बड़े राजनेता और वो बैठा दिए हैं जो खरीद फरोख कर रहे हैं। ये जो है 900 रुपए में धान खरीद रहे हैं, जबकि 1900 रुपए का रेट है धान का। तो इसी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सिलारपुर अंडरपास से 2 तारीख को यहाँ कूच किया था, आज धरने पर बैठे हैं। तब तक लड़ाई जारी रहेगी, तब तक ये समाधान नहीं हो जाएगा। हम अपने जो है ट्रैक्टरों में अपना राशन पानी लेकर आप धरने में बैठे हुए हैं, जब से कोई यहाँ पर शासन प्रशासन का कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने आया हो? नहीं, हमारी जो है कल वार्ता बुलाई थी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मलिक, 2 जनों का प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए गया। सीनियर सेक्रेटरी वहां मिले, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने जो है मांग सुनी है, हमारी बातें सुनी है, अपनी तरफ से कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप आगे क्या करेंगे? हम दिल्ली कूच करेंगे, हमारे ऊपर आंसू घोष के गैले गोला छोड़े जा रहे हैं, पानी की फुहारे छोड़ी जा रही है, गोली चलाई जा रही है, लट्ठे चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। ये बॉर्डर जितनी भी फोर्स लगी हुई है, ये किसान है, लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में यहाँ किसान होगा, दिल्ली के ऊपर किसान होगा, ये नेता नीचे होंगे दिल्ली के। सरकार का कहना है कि कृषि बिल जो है किसानों के हित में है, तो किसान इस कृषि बिल योजना के लिए किस नजरिए से देखता है? कहाँ है किसानों के हित में? अगर किसानों के हित में है तो किसान रोड पे क्यों है? सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं है? मोदी को, योगी को टाइम क्यों नहीं है किसान से मिलने का, बताओ? अगर ये किसान के हित का बिल है तो किसान रोड पे होता, लेकिन ये जो है नोटबंदी रातों रात कर सकते हैं, 370 रातों रात हटा सकते हैं, सारे काम रातों रात हो सकते हैं, लेकिन किसान के लिए इनके पास टाइम नहीं है। एक मांग किसान अगर लेकर के बैठा है एमएसपी की, तो वो भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये किसान के हित का बिल नहीं है, किसान को मारने का बिल इन्होंने पास किया है, ये राजनेताओं को उद्योगों को बढ़ा रहे हैं। मैं गुरदास सिंह दालीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष पंजाब भारतीय लोक शक्ति, हम पंजाब से लाखों की तादाद में दिल्ली को घेर रखा है 3 टोल प्लाजों पे, एक तो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर ते कुंडली बॉर्डर, ये जो तीन मांगे हैं किसानी बिल असी रद्द कराने चाहते हैं। चौथी मांग है हमारी, जो पराली को आग लगाने के लिए किसान से 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा थोपी गई है, और जो बिजली बिल है, और असी खेती के लिए 50% सब्सिडी से डीजल की मांग करते हैं। जितना चर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी। हम पंजाब से 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं, असी ये 6 महीने तक भी सानू जो इतने संघर्ष लड़ना पा, असी संघर्ष जारी रखांगे। इस हमारिया मंगा जो असी माफ करा के ही जावांगे, ये बैला जेड़े असी रद्द करा के जावांगे। ते असी अगर सरकार ने अगर आपकी मांगे नहीं मांगी तो आप आगे क्या करेंगे? हम आगे हर एक तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय किसान संघ यूनियन लोक शक्ति सारे स्टेटों से कल से आज अपने वर्कर लेकर पहुंच रही है, जो है नोएडा बॉर्डर घेर रखा, और पंजाब के 31 संगठनों ने 3 पंजाबी बॉर्डरों को घेर रखा है। असी दिल्ली को चार तरह से भावे सानू सार पार घेरना पर घेरी रखांगे, जिन्ना चेर हमारी मांगे नहीं मानेंगे। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।